हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो लास्ट वीडियो जो मैंने किया था वो मीशो हॉल वीडियो था, जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। आई गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स, तो मैंने सोचा क्यों ना वापस से एक मीशो रिलेटेड वीडियो किया जाए। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी शेयरिंग ऑल द ज्वेलरी आइटम्स आई गॉट फ्रॉम मीशो। मैंने बहुत सुंदर स्टेटमेंट ज्वेलरी मंगाई है मीशो से एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देम, क्योंकि अभी तक मैंने पार्सल खोला नहीं है। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड जंप राइट इनटू द वीडियो। माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। ये रहे मेरे सारे पार्सल, बहुत सारे हैं, मुझे पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो फटाफट से इन्हें ओपन करके देखते हैं इनके अंदर क्या है। सारे पार्सल्स मैंने खोले हैं, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पैकेज। दिस इज द फर्स्ट पार्सल आई गॉट। ऑनेस्टली पैकेजिंग काफ़ी ख़राब है, मतलब दिस इज़ हाउ आई रिसीव्ड। इसके अंदर था बट स्टिल ये ऐसा कुछ दिख रहा है। सो आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड विद द पैकेजिंग। ये बेटर हो सकती थी, पर चलो अंदर देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। तो ये कुछ इस तरह की इयर रिंग रिसीव हुई है। ऑनेस्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा बड़ा साइज, बट दिखने में ये बहुत सुंदर है। सन वाला कुछ तो शेप है, ऐसा लग रहा है कि हाफ सन है और ऐसे रेज निकल रही है, समथिंग लाइक दैट। बट दिखने में इट्स प्रिटी कूल, इट्स प्रिटी नाइस। बट ऑनेस्टली आई थिंक कि अगर साइज थोड़ा और बड़ा होता तो ये और अच्छा लगता। छोटा सा है, बहुत सुंदर है, बट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा साइज बड़ा हो, इसलिए आई एम गोइंग टू गिव दिस 7 out of 10। और देर इज़ वन मोर रीज़न वाई एम गिविंग 7, बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ से पीछे से इसका जो लगाने वाला हिस्सा है वो बहुत थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ये टूट भी सकता है। सो दैट्स वाई एम गोइंग टू गिव दिस 7 out of 10। सो लेट्स मूव ऑन टू हमारा दूसरा पार्सल। ये भी कुछ इस तरह से पैकेजिंग में हमें रिसीव हुआ है, बट इसका आउटर पैकेजिंग वॉज प्रिटी ओके, और इन्होंने साइड से भी इसे अच्छे से टेप लगा कर सिक्योर किया हुआ है। ओह माय गॉड, दिस इज सो प्रिटी। सो आई गॉट दिस हुप इयर रिंग्स, इसमें पर्ल का डिटेलिंग किया हुआ है एंड वेरी बिग, सो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड आई एम सो सो हैप्पी एंड दिस लुक्स सो प्रिटी। इट्स कैन एक्चुअली गो विथ एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सब के साथ ये जाएगा। सो आई थिंक फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव दिस अ गुड 9.5 out of 10। आई रियली 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 लव्ड दीज हुप इयर रिंग्स। अब फटाफट से दूसरा पार्सल खोल लेते हैं। यार इसे तो बिना खोले ही आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी। पीछे से अगर ये कुछ इतना सुंदर दिख सकता है तो जस्ट इमेजिन आगे से कितना प्यारा। दिस इज सो प्रिटी, बहुत प्रिटी है, बट इसका सिर्फ एक डायमंड निकला हुआ है जो शायद इतना नोटिस में आ रहा है। बट जस्ट लुक एट दिस इयररिंग, ओह माय गॉड, आई एम इन लव। ये हार्ट शेप का इयर रिंग है, थोड़ा सा मटेरियल लाइट है। आई थिंक ये पीस ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसको आई एम गोइंग टू रिटर्न एंड और जस्ट एक्सचेंज एंड गेट द अदर पीस, क्योंकि आई रियली रियली लव्ड इट। ये बहुत प्यारे हैं एंड पहनने के बाद इट विल लुक इवन मोर अमेजिंग। और एज आई सेड अर्लियर फॉर द हुप इयर रिंग्स आई एम गोइंग टू से द सेम, ये भी आपके किसी भी आउटफिट के साथ जाएंगे। इसके बाद है ये वाले इयर रिंग्स हमारे पास, इन्हें भी हम फटाफट से खोल कर देखते हैं।
ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रहे हैं देखने में। ये सारे स्टेटमेंट इयररिंग्स हैं एंड ये सारे ही इतने सुंदर, मैंने मतलब पिक्चर्स में इतने सुंदर दिख रहे थे, तो अभी तो देख के इवन आई एम गेटिंग मोर एक्साइटेड क्योंकि बहुत प्रिटी है। सो दिस इज समथिंग इन सिल्वर आई गॉट। मैं मोस्टली गोल्ड पहनती हूँ बट जस्ट लुक एट दिस, ये फ्लावर शेप की डिटेलिंग पर एक एक पर्ल लगा हुआ है एंड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी एंड दिस इज सो लाइट वेट ऑल्सो। तो अगर आपको ऐसा है कि आप हैवी इयर रिंग्स नहीं पहन सकते हो बट आपको स्टेटमेंट इयर रिंग्स पहनना भी पसंद है जो आपके हर आउटफिट के साथ जाए एंड जस्ट इट शुड एड लाइक लिटिल मोर यू नो सेक्सीनेस टू योर आउटफिट, तो ऐसे स्टेटमेंट इयर रिंग्स आर द बेस्ट। इनके इनमें आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए एंड दिस इज सो लाइट वेट। सो आई विल हाईली रिकमेंड गेटिंग एटलीस्ट दिस वन। दिस इज लाइक अभी जितने भी मैंने देखे हैं उसमें से आई लव दिस द मोस्ट, इवन द लास्ट वन वॉज रियली नाइस बट दिस वन आई जस्ट लव इट एंड दिस इज गोइंग टू गेट अ गुड 10 out of 10। इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट इयर रिंग। This is also a cute earring. छोटी सी earring है but it's pretty cute. जो भी stone लगा हुआ है इस पे it is giving a very crystal वाला vibe and this is in blue and white color. और दिखने में बहुत pretty है किसी भी, I think this will go with the Indian wear also. तो yeah, I like that. And I'm going to give them 8 out of 10 क्योंकि ये अच्छे हैं but इतने अच्छे भी नहीं लगे मुझे क्योंकि जो last में हमने earrings देखे हैं उनके comparison में this are like normal but price के हिसाब से क्योंकि जितने भी हैं it's under 200-250 तो उस हिसाब से I think it's like really good. So 8 out of 10. So I will share all the product details in the description. So आप वो देख सकते हैं if you want to buy the same product. और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत लेंथी वीडियो हो रहा है तो प्लीज़ वॉच ऑन 1.5x का स्पीड। तो चलो फटाफट से दूसरा देख लेते हैं। Guys, can you look at this smile? जब भी आई एम लुकिंग टू लाइक माई न्यू पेयर ऑफ इयर रिंग्स दिस स्माइल इज टेलिंग एवरी थिंग, लाइक कितने सुंदर पीसेस मुझे रिसीव हुआ है। मतलब मीशो पे वन मीशो केम इन टू द मार्केट आई नेवर थॉट आई विल एक्चुअली बाई थिंग्स फ्रॉम मीशो, बट मेरा मीशो के साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है कि अब अमेजोन से ज़्यादा आई स्पेंड माई टाइम ऑन मीशो। और इतना विंडो शॉपिंग तो मैं करती हूँ बट अब इफ़ यू गो टू माई विश लिस्ट, मतलब इतनी चीज़ें हैं आई वॉन्ट टू बाई फ्रॉम मीशो, इतना अफोर्डेबल है एंड यू गेट लाइक रियली गुड पीसेस अगर इफ़ यू आर लकी इनफ। कि क्लोदिंग में आई डोंट नो बाकी होम डेकोर ज्वेलरी अदर थिंग्स आर रियली रियली गुड ऑन मीशो। सो जस्ट लाइक लुक एट दिस इयर रिंग, ये ना बटरफ्लाई विंग वाला इयर रिंग है। ओके एंड जस्ट so this is how it looks like and I just love gold pieces, matlab mujhe gold earrings, gold necklace, rings, I just love it. So yeah, and gold is the color which can go with any outfit, so this is like going to get like good 10 out of 10 from my side. Bas hamare paas last two aur parcel bache hain to dekhte hain inke andar kya hai. Okay, so this earring is going viral all over the internet. Like everybody I'm seeing in these earrings. So these are the pearl earrings which I got from Indian Meesho. और ये दो set में मैंने order किया था. So I got in golden as well as in silver. ये आपकी किसी भी outfit के साथ तो जाएंगे but अभी दीज आर गोइंग लाइक लिटरली वायरल। हर कोई आई यू विल सी इन दीज इयर रिंग्स एंड आई वॉन्टेड टू गेट माई हैंड्स ऑन दीज इयर रिंग्स बहुत टाइम से, सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट दीज वंस एंड दिस लुक्स प्रीटी प्रॉमिसिंग एंड प्रीटी नाइस। सो आई एम गोइंग टू गिव दिस ऑल्सो 9 out of 10।
And now moving on, we have our last parcel here, last pair of earrings. Honestly, I'm so happy with all the pieces I got from Meesho. ये बहुत सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा. And I love the fact कि जितने भी मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं वो हर किसी के साथ जाएगी. And they are like really pretty also. So this is how the earring looks like. So the best part is ये size में छोटे हैं, light weight हैं. और दिस कैन गो विद इंडियन एंड ऑल्सो वेस्टर्न वेयर एंड आई जस्ट लव एनी थिंग पर्ल. तो इसकी जो पर्ल डिटेलिंग है आई एम एक्चुअली लविंग इट सो मच. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू गिव दिस लाइक अ गुड 10 out of 10. गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉयड माई वीडियो टुडे. एंड अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर एंड कॉमेंट भी कर दो. एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट वॉट काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू वॉन्ट टू सी फ्रॉम माई चैनल. मैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे कंटेंट बनाती हूँ. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आपको कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. आई विल रियली ट्राई टू क्रिएट समथिंग विच यू वॉन्ट. एंड मीशो, अमेजोन, मिंत्रा, ऑल दो आई एम गोइंग टू पोस्ट एनी वे. तो अगर आपको इस काइंड ऑफ कॉन्टेंट में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल लिंक माई इंस्टाग्राम राइट हियर, सो यू कैन फॉलो मी देयर. एंड ऑल्सो प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो आपको कुछ लेना है सो यू कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.